ये काफी ज्यादा डाउट पूछे थे लोग, किस तरह से 11th और 12th को मैनेज करें। अब बात हम करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग तो अभी से ही पूरी तरह से हार चुके हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी 11th तो पूरी तरह से वेस्ट हो गई, तो मैं नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं कर सकता। तो देखो यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक साल के अंदर किसी नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो क्या इवन एम्स दिल्ली तक भी जा सकते हो। एक साल बहुत बड़ा समय होता है, पर उसके लिए तुमको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी होगी और अपना 100% देना ही होगा, तभी निकलेगा एम्स दिल्ली, तभी निकलेगा एमएमसी और तभी निकलेगा एएफएमसी। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष कुमार, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने अपना पूरा 11th वेस्ट कर दिया है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 11th वेस्ट होने के बाद भी आप किस तरह से अभी भी एम्स में जा सकते हो, जैसा कि मैंने किया था। और ये बात मैंने अपनी नीट जर्नी की वीडियो में बताई है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको अपना मेन कॉज ढूंढना है, मतलब आपने किस कारण से अपनी 11th बर्बाद की थी। और वो बहुत सारी चीज हो सकती है, लाइक फैमिली इशूज हो सकती है, लाइक रिलेशनशिप हो सकती है, लाइक लेजीनेस या केयरलेसनेस हो सकती है, या एडिक्शन टू गेम्स हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा देखा जाता है, या फ्रेंडशिप्स हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कॉज है जिसके कारण से आपकी 11th वेस्ट होती है। तो आपको ट्राई करना है कि आप ये सेम मिस्टेक 12th में ना करो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान के चलो आपने 12th में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने जो गलती 11th में की है, इसके बहुत ज्यादा चांस है कि आप 12th में भी वो सेम गलती करोगे ही करोगे। तो प्लीज अवॉइड, अगर आप रिलेशनशिप या इस फ्रेंडशिप वगैरह के इशू में हो, तो आप प्लीज ट्राई करो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस चीज से बाहर निकलो। और कुछ लोग तो गेम्स के चक्कर में भी रहते हैं, तो प्लीज इससे बाहर ही आ पाओ तो ज्यादा बेटर होगा। और अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, जो कि है अपने सिलेबस, यानी कि अपने चैप्टर्स को वीक और स्ट्रॉन्ग पार्ट में डिवाइड कर लो। इससे तुमको थोड़ा सा आसान फील होता है, क्योंकि देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मतलब 3-4 चैप्टर कंप्लीट होगा, लाइक बायोलॉजी में उन्होंने 5-6 चैप्टर कर रखे होंगे, फिजिक्स में 2-3 चैप्टर कर रखे होंगे, केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर कर रखे होंगे। तो आपको क्या करना है ना, आपको जो चैप्टर स्ट्रांग है उस पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, जो आपके स्ट्रांग चैप्टर है उस पर आपको बस रेगुलर रिविजन करते रहना है। रिविजन कैसे करना है, आपको उसमें एमसीक्यू लगाने हैं, आपको उसके नोट्स रिवाइज करने हैं, आपको उसके मॉक टेस्ट देने हैं, इस तरह से रिविजन होगा। और जो आपके वीक चैप्टर है उसको स्ट्रांग बनाओ, उसको स्ट्रांग बनाने आप लेक्चर अच्छे से देखो, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, आप डीपीपी सॉल्व करो, आप मॉड्यूल सॉल्व करो और उसको स्ट्रांग बनाओ कि नहीं अब तो इससे क्वेश्चन आएगा तो अब गलत नहीं होना चाहिए। अब बात हम करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट है सिलेबस जल्दी करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बस वीडियो लेक्चर ही देखते जाते हैं। मान के चलो कि तुम्हें बस 11th की फिजिक्स खत्म करनी है, तो तुम उसके वीडियो लेक्चर को तो 15-20 दिन में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन क्या वीडियो लेक्चर कंप्लीशन क्या सिलेबस कंप्लीशन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, आपको ये बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी। सिलेबस कंप्लीट तभी होगा जब आप वीडियो लेक्चर भी देखो, आप रिविजन भी करो, आप एमसीक्यू भी लगाओ, आप बुक रीडिंग भी करो और आप मॉक टेस्ट भी दो। ये सारी चीजों को मिलाकर ही सिलेबस कंप्लीशन होता है। तो ऐसा बिल्कुल ही मत समझ लेना कि अगर मैंने रोटेशन की वीडियो देख ली और मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरा रोटेशन हो गया, नहीं, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। तो इसलिए प्लीज कभी भी आप सिलेबस को जल्दी करने के चक्कर में मत रहिएगा, धीरे धीरे ही सिलेबस हो सकता है कि सिलेबस थोड़ा लेट कंप्लीट हो, सिलेबस 1 महीने लेट कंप्लीट हो, अभी आपके पास काफी टाइम है, क्योंकि 1 साल बहुत ही ज्यादा होता है, तो अभी आपके पास काफी टाइम है। तो धीरे धीरे प्रिपेयर करिए, लेकिन ट्राई करिए कि जो भी आप चैप्टर पढ़े उसको बहुत अच्छे से करें। ये नहीं करिए कि जल्दी करने के चक्कर में हम किसी चैप्टर को खराब तरीके से कर लिए और हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो पाए, तो प्लीज ये मिस्टेक मत करिएगा। अब बात हम करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि सिलेबस कंप्लीशन कब तक कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे डाउट आ रहा है जो पूछ रहे हैं कि सर मैं सिलेबस कंप्लीट कब तक कर दूं। तो देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग तो जनवरी 2025 एक सही डेट होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम मोस्ट प्रोबेबल मई 2025 में होने वाला है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट एग्जाम के 3-4 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, आइडियली कंडीशन, जिससे आप मॉक टेस्ट भी दे पाओ और रेगुलर रिवीजन भी कर पाओ। तो अगर आपको जनवरी 2025 तक अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको मई या जून तक आपको 11th करना ही होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मेरी प्लानिंग है, जैसे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लाइक अभी 2024 चल रहा है, तो अभी हमारा जनवरी चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आप जनवरी, फरवरी और मार्च में आप सारे बेसिक चैप्टर कर लीजिए जो कि 12th क्लास में नीड होती है। वो बेसिक चैप्टर की लिस्ट मैं नीचे टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा।
तो आप इस 3 महीने के अंदर आप सारे बेसिक चैप्टर कर लो जो कि 12th के लिए नीडेड होती है। बचे हुए 2-3 महीनों में अप्रैल मई या जून के अंदर आप और जो भी चैप्टर्स बच गए हैं 11th के उसे भी कर लीजिएगा। आप उसको 12th के रूटीन के साथ करिएगा जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। डोंट वेस्ट योर क्लास 12th ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th के करने के चक्कर में क्लास 12th को बर्बाद मत करना। मतलब क्या रहेगा यार, तब भी तो तुम्हारा एक क्लास बर्बाद हो ही गया ना, तो नहीं प्लीज ऐसा मत करना। इसके लिए डेली 12th क्लास के लेक्चर करने, रिविजन करने, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद जो 3 घंटे तुम्हें बचते हैं उसमें अपने 11th कंप्लीट करो। मतलब डेली जब तुम्हारी 12th की सब कुछ अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए तब 3 घंटे एक्स्ट्रा निकालो और उसमें अपना 11th कंप्लीट करो। ये नहीं कि तुम अपने 12th के लेक्चर को देख ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि मुझे 11th कंप्लीट करनी है, तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता। इसलिए मैंने तुम्हें कहा पहले अपने बेसिक चैप्टर कर लो जिससे तुम्हें 12th में आसानी मिले, उसके बाद जो भी तुम्हें बचे हुए चैप्टर हो वो तुम कर सकते हो 12th के रेगुलर रूटीन के साथ। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर जो कि है डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या करना चाहिए। तो देखो यार, अगर तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है तो मैं तो कहूंगा डमी स्कूल ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा टाइम मिलता है और जब भी हमें ज्यादा टाइम मिलेगा तो हम सिलेबस को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, और रेगुलर स्कूल में टाइम कम मिलता है तो हम सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। देखो क्या है, ये हम सबको पता है कि डमी स्कूल जो होती है उसमें संडे को क्लास नहीं होगी और 6 दिन तो क्लास होती है, लेकिन ट्राई करो नॉट अटेंड डेली क्लासेज ऑन स्कूल। मतलब तुम सारे दिन क्लासेज ही अटेंड मत करो, तुम बस एक सप्ताह में बस 3 या 4 दिन ही क्लासेस करो, तुम सारे दिन क्लास ही मत करो। अगर आप 3-4 दिन ही क्लास कर रहे हो तो आप जो बचे हुए दिन हैं उससे आप क्या करो, अपने क्लास 11th को कंप्लीट क्या करो, ये स्ट्रेटजी आप यूज करो, तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अब बात करते हैं डमी स्कूल वाले क्या कर सकते हैं। डमी स्कूल वाले के लिए मैं मानता हूं कि 6 घंटे की कोचिंग रहती होगी 12th क्लास की, 2 घंटे आप उसका क्या करिएगा, रिविजन करिएगा। जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसका रिविजन तो मस्ट है यार, बिना रिविजन के तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुमने चाहे कितना भी पढ़ लिया और रिविजन तुमने नहीं किया तो यू कांट डू एनीथिंग, लिटरली यू कांट डू एनीथिंग। और 2 घंटे रिवीजन के बाद तुम्हें 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो कि और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद के बचे हुए 3 घंटे, 3 या 4 घंटे जो भी तुम्हारे बचेंगे उसमें तुम्हें अपना 11th कंप्लीट करना है। ये मैं कब बता रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं अप्रैल मई और जून के बारे में, जिस टाइम आपका 12th क्लास चल रही होगी उस टाइम पर आपको इस तरह से अपना 11th कंप्लीट करना है ताकि तुम्हारा 12th भी बर्बाद ना हो और तुम्हारा 11th भी होते चला जाए। ये काफी ज्यादा डाउट पूछे थे लोग किस तरह से 11th और 12th को मैनेज करें। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर कि वो है बिलीव ऑन टीचर। होता क्या है ना यार, हम लोग जब नए नए 12th में आए होते हैं हमने 11th तो बर्बाद कर दी होती है, हमें ऐसा लगता है नहीं यार हम खुद से सब चीजें ट्राई करेंगे, हम खुद से करेंगे। तो प्लीज आप टीचर पे बिलीव करो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो बात है वो साफ है कि वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो जो वो बोल रहा है उसको फॉलो करो। ये नहीं कि वो बोल रहा है कि बस एनसीईआरटी करो बायोलॉजी में लेकिन तुम ट्रूमैन्स लेके बैठ गए, तो नहीं यार ये चीजें नहीं करनी है। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो कि है फोकस ऑन एमसीक्यू एंड टेस्ट। तो देखो यार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका 11th इस कारण से बस वेस्ट हुआ होता है क्योंकि वो एमसीक्यू और टेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो बस पढ़ाई करते हैं, लेक्चर देखते हैं और बस सोचते हैं मेरा तो कंप्लीट हो गया। तो प्लीज ये मिस्टेक आप 12th में मत करना कि बस कोई मॉक टेस्ट दिया ही नहीं। नहीं, इस मिस्टेक को रिपीट मत करो, आपको मॉक रेगुलरली देने हैं और आपको एमसीक्यू भी रेगुलरली सॉल्व करने ही करने, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। और अगर आपको और मिस्टेक्स के बारे में जानना है कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। और अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप मेरे साथ पर्सनली शेयर करना चाहते हो और क्विज भी अटेंड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस यही थी यार इस वीडियो में, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।